तीन साल पहले उस अक्टूबर की दोपहर को आप जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भीड़ को उंगलियों पर गिन सकते थे। आश्चर्य नहीं कि उनके चेहरों पर गर्व लिखा हुआ था। चूंकि यह स्थल हमारे घर से दूर नहीं है, हमने सोचा कि हम इस खेल को देख सकते हैं, अहमद ने इस संवाददाता से कहा, जबकि बंगाल और रेलवे ट्रॉफी के लिए एक दिवसीय मैच में आमने सामने थे। विजय हजारे, अरुण जेटली स्टेडियम में माहौल अद्भुत था, उन्होंने फोन पर कहा। जयपुर के विपरीत इतनी बड़ी भीड़ थी, बहुत बढ़िया था, शाहबाज ने उन्हें खुश कर दिया था। उन्होंने एडन माक्राम और हेनरिक क्लासेन से दो महत्वपूर्ण विकेट लिए थे। शाहबाज ने जयपुर मैच में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। 30 अंक हासिल करने के बाद उन्होंने अपने बाएं रोटेशन के साथ 26 रन देकर एक अंक लिया। मुझे लगता है कि उसने सही काम किया। वास्तव में बंगाल के लिए सभी प्रारूपों में नियमित रूप से खेलने के बाद उन्हें रॉयल चैलेंजर्स ने आईपीएल 2020 की नीलामी में 20 लाख में खरीदा था। दो साल बाद इसे जारी करने के बाद फ्रेंचाइजी ने इसकी सेवाओं के लिए 2.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया। शाहबाज तेजी से खुद को एक भरोसेमंद ऑलराउंडर के रूप में स्थापित कर रहे हैं और एक बेहतरीन बाहरी खिलाड़ी भी हैं। हालांकि अहमद को क्रिकेट में शाहबाज की उपलब्धियों पर गर्व है, लेकिन कुछ साल पहले तक वो चाहते थे कि उनका बेटा इंजीनियर बने। अहमद कहते हैं, जब मुझे उनके विश्वविद्यालय से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि वो महीनों से सिविल इंजीनियरिंग की कक्षाओं में जमाखोरी कर रहे हैं, तो मैं चौंक गया। जब मैंने क्रिकेट के लिए उनका जुनून देखा तो मैंने उन्हें अपने सपने को पूरा करने दिया। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की।